हेलो गाइस, इट्स मी फिर अगेन, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा मिसेज हो रहे थे कि आपने इस तरह बीच में लाया चौड़ा और ये है वो, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से फिर गपशप लगाते हैं और थोड़ा सा आप लोगों की जो अच्छे कमेंट्स है वो भी ऐड करेंगे और आप लोगों की कॉल्स भी हम लेंगे, क्योंकि इससे पहले जब मैं लाया करता था मैं बहुत ज्यादा टेंस हो गया, बहुत ज्यादा, और फिर क्या है कि इतना टेंशन में हो गया कि मैंने कुछ, मेरे मुंह से कुछ बात ही नहीं निकल रही थी ना, तो उस वजह से मैंने लाइव जो है वो बीच में इस तरह छोड़ दिया था। अब आप लोगों की कमेंट्स की तरफ भी मैं आना चाहूंगा। और गुल रिहान, कैसे हो? आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की जो टॉपिक है उस पर भी हम बात करना चाहेंगे, और उसके हवाले से जो है वो आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जब भी इस तरह लाइव करता हूँ लाइव में मस्त टॉपिक मस्ट हो तगारत, लेकिन आज जो टॉपिक है वो आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा कि आज की जो टॉपिक है हमारी, तो उस पे हम मुझे कॉल पे लो। ओह माय गॉड, इतनी ज्यादा लोग कह रहे हैं कि हर कोई कह रहे कि मुझे कॉल पे नासर भाई, नाजलीन हाशमी हाय, तहखान अफरीदी हाय, और चलो अब देखते हैं नदीम यूसुफ से। आई डोंट नो ये कौन सा नदीम है, मुझे तो पता भी नहीं है कि कौन सा नदीम होगा, बट एनीवे मैं उसको कॉल पे लेना चाहूँगा, क्योंकि एक नदीम जो है वो मेरा फ्रेंड था, तो अब देखते हैं कि ये कौन सा वाला नदीम है। तो प्लीज आप लोग लाइव चैट को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसी लाइव चैट में आज आप लोगों से हम जानना चाहेंगे आप लोगों की राय। तो नदीम साहब प्लीज आप कॉल रिसीव करें, क्योंकि आपको अगर कॉल मिल रही है प्लीज आप कॉल जरूर रिसीव करें। अस्सलाम वालेकुम। और मेरे ख्याल में कॉल, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो नासर अखी, कैसे हो नदीम? आप ठीक हो? काफी दिनों बाद। सलाम कबूल। सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन आपकी तरफ से है ना। मेहरबानी जी, मेहरबानी। बड़ा पुख्तोर असर हुआ है मंगल उर्दू चप करा दी अल्लाह सखते उलमा हां अल्लाह सखते उलमा तो दावे पे तो करो थोड़ा थोड़ा इस तरह हो सकता है कि खैर नदीम लग कोशिश हो कि उर्दू की खबर हो गई का ना लगी। हाँ जी हाँ। तो नदीम मैं ये कह रहा था आपसे कि अगर आपको जिंदगी में दूसरी शादी का मौका मिला ना, तो आप शादी दूसरी करेंगे या नहीं? यार पहला तो एक शादी का भी है यार, मेरा दूसरे का कोई इरादा नहीं है। अगर चांस मिल गया आपको, अगर चांस मिल गया तो फिर क्या करेंगे या करेंगे नहीं? कोई लड़की आपके सामने आ जाए कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ ना, तो नहीं करूंगा, बस यही एक ही काफी है। ओ चलो आप तो बहुत स्ट्रेट हो, चलो एक ही काफी है बस, ये भी अच्छे। आपकी बच्चे कितने हैं? मेरे तो चार बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और अभी आपकी पोस्टिंग जो है ना वो कौन सा पोस्टिंग है ना, ट्रैफिक में कौन सा है ना आपकी, इंस्पेक्टर? मैं टिकटिंग ऑफिसर है, टिकटिंग ऑफिसर। टिकटिंग ऑफिसर ही, बहुत अच्छी बात है। प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ट्रैफिक के हवाले से जो है वो कुछ हमें बताना चाहेंगे लोगों को कि किस तरीके से गाड़ी चलानी चाहिए ना। गाड़ी तो ट्रैफिक के हवाले से जो है ना, अभी खासकर हमारे मलक्कन डिवीजन में जो है ना रोड्स प्रॉब्लम्स बहुत है, रोड्स तंग है और गाड़ियां बहुत ज्यादा है कि यहाँ नॉन कस्टम पेड गाड़ियां भी है और भी लोगों के पास जो है ना गाड़ियां बहुत ज्यादा है, तो एहतियात से चलाए, बेल्ट का इस्तेमाल करें, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल, खासकर इंडिकेटर्स का इस्तेमाल हमारे यहाँ जो है ना पहाड़ी इलाकों और ये मलक्कन डिवीजन में इंडिकेटर्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है, तो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें। जरूर, आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया और यकीन है कि लोग इस पे अमल करेंगे, तो प्लीज
वो इस्तेमाल करें हाँ इंडिकेटर का और बेल्ट का भी इस्तेमाल करें। और बहुत खुशी हुई नदीम, इंशाल्लाह आपसे फिर मैं गपशप लगाता रहूंगा। अब और लोगों से थोड़ा थोड़ा बात करते हैं इस टॉपिक पे कि उसकी क्या राय है। ठीक है, ओके ओके जी, मेहरबानी मेहरबानी, ओके मेहरबानी। इस तरह पीस नदीम सदरी तो मेरा इस तरह फ्रेंड है कि मेरा बहुत पुराना फ्रेंड है। और यह है कि हम का जो है वो गपशप लगाते रहते हैं। और अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ मैं जाने वाला हूं कि वो कौन होगा, क्योंकि आज की जो टॉपिक है उस पे बात करना कोई चाहता है तो प्लीज आप लोग आ जाए उस पे। हम बहुत सारे जो लड़के भी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। और हेलो, क्या मुझे दिखा रहा है यार, आई डोंट नो। मुझे चाहिए कुछ एक्टिव लोग, जो एक्टिव लोग हो, और तो ऐसे लोग हमें चाहिए, ऐसे लोगों से वो आए और ऐसे वैसे कमेंट्स भी ऐड करें और उनसे हमें दुख मुझे, क्योंकि इससे पहले जब मैं लाइव करता था मैं बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था, बहुत ज्यादा उसके लाल जो है वो नाश बीच कर में दो रहा था उसको। ना। हेलो हेलो, हेलो, वालेकुम वालेकुम सलाम। आपके पास तो मेरे ख्याल में कोई और लोग भी है ना। संगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन यार मुझे उर्दू स्पीकिंग चाहिए ना। आप लोग ज्यादातर पश्तो में बात करते हो तो वो फिर बात नहीं हो पाती, लेकिन खैर एनीवे तरफ जाने वाले हैं। और अब देखते हैं सईदा शाह की कॉल पे मैं जाना चाहूंगा, उनसे मैं बात करना चाहूंगा। ओ माय गॉड यार, ये तो मेरे ख्याल में कॉल नहीं मिल रही उनको। थैंक यू सो मच हफीज मुगल। हफीज मुगल ने बहुत अच्छी दुआ की है मेरी मॉम के लिए, तो आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेशली मेरी मॉम को। आई एम फ्रॉम कनेडा। चलो ठीक है, आप कनाडा से हो, जहाँ से भी हो आप लोग आए और हफीज मुगल ना सिर्फ कॉल पे लो। चलो ठीक है, आपको कॉल पे ले लेता हूँ ना। ओ या गॉड, आप लोग बहुत ज्यादा कम ऑनलाइन है, प्लीज यार आप लोग आ जाए हमसे बात करें और हमसे जो है वो टॉपिक पे बात करें ना, क्योंकि बात इसलिए बहुत जरूरी है ना, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए है कि ये किसी ने चूज किया है और उनसे हम ओ माय गॉड, ये तो आपने इस तरह पगड़ी पहनी थी कि चलो आप हम देते हैं। यहाँ पर एक बना ऐसे मुझे बहुत नफरत है, क्योंकि यार आज तो पता नहीं इतनी ज्यादा छोटे छोटे बहुत ज्यादा छोटे छोटे ऑनलाइन है। मेन की मतलब है कि बहुत ज्यादा कम एज वाले लोग ऑनलाइन, हमें थोड़ा सीनियर लोग चाहिए ताकि सीनियर लोगों से हम बात करें। तो आई थिंक फिर ओ ब्लैक कैमरा, थोड़ा कैम जो है ना आप लोग इस तरह करें कि कैम की जो है वो हमें थोड़ा लाइटिंग वाला कैम चाहिए ना, ऐसा कैम कि जिसमें लाइटिंग ज्यादा हो और उस पे हम उनसे अच्छे तरीके से बात करेंगे, अदरवाइज फिर तो बात भी सही नहीं हो पाएंगी। जुनेद खान कालमी, चलो आपको कॉल पे ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। और अब हम ओह माय गॉड, सईदा शाह कॉल करें। सईदा शाह,
शाह प्लीज कॉल पे आ जाए यार, आपको तो जरूर कॉल पे लूंगा। नीलम तो क्या है कि नीलम से बात, नीलम आपकी केम जो है वो, नीलम शाह की केम जो है ना वो ऑन नहीं है, तो आप केम ऑन करें, आपको मैं जरूर कॉल पे लूंगा। मुझे जिस बंदे के साथ केम नजर आएगा तो मैं उसको कॉल पे लूंगा ना। केम जिसकी ऑन नहीं है ना तो मैं किस तरह उनको लूं। माय गॉड यार, नीलम आप कमेंट्स करें ताकि आपकी वो आईडी जो है ना वो मुझे नजर आएगा, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको कॉल पे ले लूंगा। नहीं मैं नहीं करती, क्या लिखा हुआ है यार ये, क्या कुछ लोग कहते हैं कि कॉल पे और फिर उसके बाद कॉल मी अजीम खान अचकजई जैन अफरीदी, मेरा कॉल उठाओ। चलो अब देखते हैं ना। ओ यार ये तो आज हमें कुछ एक्टिव लोगों की जरूरत है बहुत ज्यादा, और वो एक्टिव लोग पता नहीं कहाँ से हम आएंगे ना। ओ माय गॉड, ईमान ईमान सलीम, काना खाया है, काना तो मैंने खाया है, पेट भर के मैंने खाया है आज, आज कुछ मशहूर है। ओ माय गॉड यार ये क्या लिखा हुआ है, कॉल मी जैन अफरीदी। चलो आपको कॉल पे ले लेता हूँ, अब देखते हैं कि मैं एक्टिव हूं यार। मैं तो नीलम का वेट कर, नीलम आएंगे ना तो उनसे हम गपशप लगाएंगे ना। वो कहाँ चली गई यार, चलो इसको लेता हूँ। ये कौन होगा ना अब बात, चलो गॉड इसकी तो केम अच्छा नहीं था। सईदा शाह आप तो सेट थे, मैं बिल्कुल सेट था लेकिन मत सही। थैंक यू सो मच शेर खान। और ओ यार ये कुछ लोगों के कमेंट्स अच्छे नहीं है, लेकिन खैर अभी हम नेक्स्ट अच्छा। चल अब हम नेक्स्ट जाने वाले, और अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट कलर कौन होगा। हेलो हेलो, हाँ हेलो, आपकी कॉल मिल गई है, वेयर यू जी जी फ्रॉम, मिल गई है। आई एम फ्रॉम पिशावर। पिशावर में कहाँ से? पिशावर में मैं हूँ, डीन्स की तरफ से मैं रहता हूँ, कैंट में हूँ। और आपको बहुत ही बड़ा पंखा हूँ मैं, मतलब आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ। चलो फिर वो सही है, लेकिन आपने इस तरह कहा, मैंने कहा कि आपने क्या कहा। तो चलो आज आपसे हम ये टॉपिक जो आपको है, आपको याद होगा या नहीं, जो हमारे टॉपिक है आज, कि आपको खुद पर्सनली जो है ना, आप मेरिट हो या नहीं। ये क्वेश्चन क्या था, जरा वो मुझे रिपीट करके बताएं कि क्या क्वेश्चन था आप लोग का। क्वेश्चन ये है कि शादियां जो है ना, कुछ लोग दो शादियां भी करते हैं, कुछ तीन करते हैं ना, तो इसके हवाले से आपका क्या कहना है कि शादी इंसान को, यानी दूसरी शादी करना चाहिए या नहीं, या एक ही शादी से जो है ना अपनी लाइफ मेरे जो है ना वो सेटल मेरी करनी चाहिए मेरे इसके तो बारे एक भी नहीं हुई, मेरे तो अभी तक एक भी शादी नहीं हुई ना। तो मतलब पहले तो मेरे लिए में। मेरी शादी करवा दो, जब मैं एक कर लूंगा तो फिर मैं सोचूंगा दूसरी के लिए। खैर कुछ इरादा तो आपका होगा ना किस वाले से, क्योंकि आपका इरादा है मतलब दूसरी, आपको भी दूसरी बस भी चाहिए। तीन चाहिए। ओह माय गॉड, तीन, एक तरफ घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, और एक कोई और साइड एक वाली। तरफ घर वाली, नहीं, एक घर वाली, एक बाहर वाली, और एक
जो है पड़ोसी वाली। चलो वो तो सही है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि आप जो है खुद अपने हवाले से कुछ बताएं कि आपको यानी बीवी अच्छा, के हवाले से आपको मैं आपसे एक क्या सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये आपकी सवाल स्किन इतनी कर खूबसूरत कैसी है? मेरी स्किन 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 आपकी स्किन इतनी खूबसूरत क्यों है? यार, ये तो फेमिलियर है, मैं अच्छा ये कहूंगा। वाओ, मैं काफी आपकी वीडियोस देखता हूँ, मैं आपको बहुत ही बड़ा पंखा हूँ, मतलब मैं आपको बहुत ही बड़ा फैन हूँ, और मैं हमेशा आपकी आप एक पन वीडियोस का दो देखता बार हूँ। कहा ना, तो चलो ठीक नहीं है, आप वो मेरा बस फैन हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप मुझे बताइए, आप खुद क्या करते हो, आपका जॉब क्या है? मैं खुद जो हूँ मित्सुबिशी कंपनी में हूँ, कौन सी कंपनी में मित्सुबिशी मित्सुबिशी। यार? ये तो थोड़ा डिटेल मुझे दे कि किस हवाले से, ये कंपनी किस वर्किंग किस तरह क्या है इसका ना? इसमें जो है हम बेसिकली जापानीज इम्पोर्टर हैं, हम जापान से जो हैवी गाड़ी इम्पोर्ट कराते हैं। वाह यार, ये तो फिर बहुत अच्छा बिजनेस है। वैसे गाड़ियां तो मुझे बहुत पसंद है यार, फिर तो क्या है कि आपके साथ तो जी एक टूर भी हो जाएगा ना, अगर आप चाहेंगे। जरूर जरूर जरूर, मैं क्यों नहीं, मैं कुछ दिन पहले तिमरकर आया हुआ था। यार यहाँ पर थोड़ा मेंशन ना करो जाएगा ना, कि फिर मुझे बहुत अच्छा ज्यादा ओके प्रॉब्लम ओके बन ओके, आई एम जाएगी। सॉरी, ओके आई एम सॉरी, ओके आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ अच्छा चलो, इट्स नहीं, ओके। ग्लासेस आपने फिर कहाँ से परचेज की? क्या चाहिए? ग्लासेस ग्लासेस आपने कहाँ से परचेज की? ग्लासेस तो आपकी तरह वो भी एक फैन ने गिफ्ट किए हैं ना, अगर आप गिफ्ट करेंगे ना तो आपका गिफ्ट भी हम यूज करेंगे ना। आपको पता है ये भी मुझे फैन ने दिए, जरूर ये सब जरूर मेरे जरूर। फैंस ने दिए है ना, तो अब आपकी बारी, क्या अच्छा पता नहीं आप हमें कौन सा गिफ्ट करेंगे ना, सेंड करेंगे। अच्छा सही सही सही। ऐसा नहीं कि अच्छा चलिए, कोई मैं काम बम करता भेजी नहीं कि नहीं नहीं थोड़ा नहीं पूरा नहीं नहीं मैं आपको, मैं आपको खात्मा बम, हो जाए। चल नहीं, मैं आपको बम नहीं, मैं आपको अच्छा सा गिफ्ट दूंगा ना इंशाल्लाह, और आपको मैं गिफ्ट में दूंगा एक टैंक, टैंक जैसे टैंक से हाँ उड़ा टैंक रहा दूंगा उससे, टैंक से मैं आप, लेकिन आप किसको उड़ाएंगे? आप उसको उड़ाएंगे, वो क्या नाम है, वो छोले खा के क्या कहता है यार, वो मुझे बहुत बुरा लगता है, वो क्या नाम है, हाँ यार वो पता नहीं मेरे पीछे बहुत ज्यादा पड़ गया है, बहुत ज्यादा, हर वक्त मेरे खिलाफ वीडियोस भी बनाता है, और आई डोंट नो कि इसी मेरे नहीं साथ ये है क्या तो इख्तलाफात है, वो मुझे कुछ आपसे समझ में नहीं जेलिस आ होता है, रहा। वो आपसे जेलिस होता है, वो आपसे जेलिस होता है ना इसलिए। बिल्कुल यार, ये भी हो सकता है ना, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये जो टॉपिक है ना, टॉपिक पे फिर हम आएंगे ना, आज की जो अच्छा टॉपिक है चले तो ना, चले, टॉपिक टॉपिक पे, हाँ टॉपिक पे, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हाँ पे मैं हाँ ये कहना चाहूंगा कि आज की जो टॉपिक में रखा है, आपको किस तरह बीवी यानी चाहिए ना, आपको तो 3 बीवियां चाहिए ना, तो आप एक अच्छी बीवी में जी जी आपकी जी नजर में इस तरह कौन सी क्वालिटी, एक अच्छी बीवी में आपकी आपकी नजर में आप कहेंगे कि इस मेरी बीवी में ये होना चाहिए, कि मेरी बीवी इस लिहाज से उसमें ये क्वालिटी है, उसमें ये हो वो हो, तो फिर आपकी जो है ना लाइफ उनके साथ अच्छी गुजरेंगी ना, तो इस हवाले से आप हमें बताएं। यार, मैं जो बीवी चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि उसमें तमाम खसूसियात आपकी तरह हो, बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत भी हो, और आपकी तरह हैंडसम भी हो, आपकी तरह, तो फिर बात बनती है। और दूसरी बीवी मैं मांगूंगा, दूसरी बीवी ऐसी हो जैसे वो सनी लियोन की तरह हो, और तीसरी बीवी जो हो वो हो मतलब क्या नाम है, बस इसका मतलब कि आपको तीसरी थोड़ी बीवी बस सेक्सी एंड तीसरी, हॉट, बहुत am I बहुत right? बहुत, क्योंकि बिल्कुल वो बिल्कुल, यू तो, आर 100% राइट। हाँ ये तो आपने ऐसे भी ऑलरेडी डिजायर किया ना, तो चलो हाँ हाँ हम हाँ हाँ बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल दुआ करेंगे कि आपको ऐसे ही मिल जाएंगे ना, जो आपको काइफ हो ना। इंशाल्लाह। अच्छा मैं आपको गिफ्ट कैसे, अच्छा मैं आपको गिफ्ट कैसे सेंड करूंगा? आप मुझे गिफ्ट, हो सकता है अगर मैं पिशावर आ जाऊंगा ना तो फिर आपसे मिलूंगा जरूर, लेकिन शर्त जरूर। पे ही कि अच्छा तो अगर आपकी मुझे आप मेरे साथ बिजनेस जो कांटेक्ट, आपने कह दिया ना, आपकी ऐसा ना हो कि खुद हाँ हाँ बाहर निकले जो कि मैं जो, फिर वो आपकी पास कुछ ना हो रेड़ी के सामने इस तरह खड़े हुए हो और कोई फ्रूट्स वगैरह बेचते होंगे ना, तो फिर अच्छा क्या होगा मेरा, मैं तो अरे वहां पर बहुत चीखे मारूंगा नहीं कि क्या हो गया। नहीं 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 मैं आपको गाजर भी खिलाऊंगा, मैं आपको मूली भी खिलाऊंगा, गाजर मैं आपको सब कुछ खिलाऊंगा। ना खिलाओ यार, वो गाजर हमने बहुत खाए है और करने की जरूरत नहीं, अच्छा, नीलम एक शाह बात वो सुनो। आई मैं कॉल पे, तो इसको मैं कॉल पे लूँ। हाँ हाँ एक, नहीं सर, हाँ वो आप मुझे खुद बताएं, आपने आपने कौन हाँ कितनी एक कंट्री काम घूमी? कर, मैंने कितनी कंट्रीज देखी, मैंने देखी हैं तकरीबन 1 2 3 4 देखी हैं।
तीन चार नाम बताएं आप। तिमरगरा, बाजो, ओ माय गॉड, ये तो सिटीज है यार, मैं कंट्री की बात कर रहा हूं। अच्छा, कंट्री कंट्री, अच्छा कंट्री में मैं गया हूँ, अथोपिया और सोमालिया, और मैं गया हूँ ओ ये तो बहुत बोरिंग गिनिया। वाली कंट्रीज है, आपने नाम बताए। सोमालिया में तो मेरी एक खाला थी, वो वहां पर उसके हस्बैंड अच्छा की जॉब हो गई थी, तो वो जब वहां गई थी बहुत अच्छा ज्यादा सेट थी वहां पर, तो सोमालिया से वैसे भी ये मुझे प्यार सोमाल, आता है। हाँ ये सोमालिया तो उसके साथ है ना, ये क्या कहते हैं अपना सियालकोट के साथ है ना। हाँ सोमाली सरकोट के साथ कैसे गए यार, सोमाली अच्छा कंट्री है यार। अच्छा कंट्री है। अच्छा नहीं, तो सियालकोट के साथ बाउंड्री नहीं लगती उसकी। नो यार पता नहीं, आप मेरे ख्याल में आप कभी नींद से भी उठे हो ना, दिमाग आपका नहीं नहीं बिल्कुल नहीं घूम रहा। मैं बिल्कुल डन, मेरा मैं अब मैं जब आपको देखता हूँ ना, तो मतलब मेरे मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ओह माय गॉड, आपको हो गया। चलो आपसे फिर हम गपशप लगाएंगे, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच बिस्मा रोहा, फिर से आ गई नीलम शाह, आप आ जाइए जरूर कॉल पे, अभी हम आपको जरूर आप देखते हैं नेक्स्ट। आई डोंट नो यार, ये नाद आपने तो अभी, मैंने आपको कहा कि आप कॉल पे आ जाए तो आपसे फिर मैं गपशप लगा देगा, मैं किस तरह आपसे गपशप लगाऊंगा ना। अभी हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ जाने वाले हैं और दिस लाइन चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ जाएंगे, और अगर हमें कोई अच्छा कॉलर नहीं मिला तो आई थिंक फिर हमें जाना होगा। उमर हो, अभी हम कि ये जो कॉलर हम देखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओ माय गॉड, जो लोग ज्यादा बैठे होते हैं ना, तो मैं इसको कॉल नहीं लेता, क्योंकि एक वन टू वन पर्सन होगा तो इनसे हम बात करेंगे ना, क्योंकि ही डिस्टरबेंस हो जाती है। साकिब, अभी हम इस बंदी को लेते हैं कॉल पे। वैसे भी अगर कोई आएगा भी ना, तो हमसे ऐसे ऐसे बात नहीं चलेंगी ना, अगर ऐसे ऐसे बात होगी भी ना, तो हम उसकी कॉल, हम उमर मैं आपका कॉल किस तरह लेना, आपके साथ तो इतनी ज्यादा लोग बैठे हुए थे ना। यू कैन मे टेक मी कॉल मी प्लीज, फैशन डिजाइनर, ये क्या लिखा है, अब्दुल सफी। चलो आपको ले लेंगे कॉल पे, क्यों ना। हेलो, वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, सलाम। वालेकुम क्या सलाम, हाल है आप? बिल्कुल खैरियत है। आप जी कहाँ से? अच्छा मैं इस्लामाबाद से हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। पंखा, ठीक है, थैंक यू। आप हमें बताइए कि आज जो हमने टॉपिक रखा हुआ है, तो इसके हवाले से आप हमें सबसे कुछ बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद मैरिड हो, नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। तो कब इरादा है शादी का? इंशाल्लाह 4 साल बाद। और आप क्या करते हैं, जॉब आपकी क्या है? मेरी जॉब बैरियर टाउन में है। क्या जॉब है मेरे टाइम में क्या? मेरी बैरियर टाउन ऑफिस में जॉब है, लैंड के हवाले से। हाँ,
हाँ जी तो आज जो हमने टॉपिक आप रखा वैसे कहाँ से तवलीग हैं? का, क्या जी क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि आज हमने जो टॉपिक रखा था हमने शादी के वाले से, तो आपका जो है वो ज्यादातर लोग इस तरह एक एक दो दो तीन तीन शादियां करते हैं, जिसके वाले से आपका कहना है कि शादियां दो होनी चाहिए या एक होनी चाहिए, किस किस तरह होनी चाहिए ना आपके आपके ख्याल में? शादियां मेरे ख्याल से चार होनी चाहिए। वो इस्लाम में भी तो कैसे चार चार की इजाजत है, तो चार होनी चाहिए। हो सकता है कि अगर आपकी भी गर्लफ्रेंड हो ना तो उसकी तो मेरे ख्याल में दिल टूटा हुआ होगा, आप अगर उसने ये देखा होगा, क्योंकि आपके मेरी चार शादियों का गर्लफ्रेंड इरादा है। नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, ये तो मसला है। तो चलो हम आप कहेंगे कि आपका तो खुद खुद यानी आपका चार शादियों का इरादा है आपका। जी, मेरा चार शादियों का इरादा है, बस अल्लाह ने जब भी कहा चार करूंगा, चार। चलो ठीक है, आप तो बस माशाल्लाह हम बहुत दुआ प्यारे करें। लग थैंक रहे हैं। यू। आपकी खूबसूरती का राज क्या तो है? कर प्यारे आपकी हो खूबसूरती का राज क्या है? यार, ये तो कुछ खास नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जो कॉलर आया था उसने भी वो क्वेश्चन किया था और आपने भी कर दिया, तो मैं ये कहूंगा कि आपकी स्किन बहुत प्यारी है, मैं भी आपकी तरह की स्किन का कलर करना चाहता हूँ, मुझे कोई टिप्स बिल्कुल यार दें। ये तो है, क्योंकि मुझसे जब भी लोग मिलते हैं तो सब लोग कहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो बेबी टाइप है ना, बेबी स्किन है, तो ये बहुत बिल्कुल सारे लोग कहते हैं ना, क्योंकि मैं खुद जब स्किन डॉक्टर के पास गया था आज से तकरीबन 6 महीने पहले, क्योंकि हमारे कुछ रिश्तेदार की उसकी कुछ स्किन एक्नी प्रॉब्लम था, तो मैं जब गया तो मुझे खुद स्किन डॉक्टर ने कहा कि यार आपका स्किन जो है ना ये तो बेबी वाला बच्चों वाला जैसा है ना, जिस तरह छोटा बच्चा होता है इसकी जैसे स्किन है। मैंने कहा मुझे पता नहीं, बस ये फेमिलियर है, कुछ चीजें नेचुरली होते हैं। अच्छा, लेकिन नो डाउट आपकी स्किन बहुत प्यारी है, इसी तरह मैं भी चाहता हूँ बिल्कुल कलर हो मेरा और मैं भी आपकी तरह खूबसूरत लगूँ। यार आपने नहीं सुना है कि वो क्या है कि जो व्हाइट होता है उसका अपना मजा होता है, जो गंदमी होता है ब्रिटिश होता है उसका अपना मजा होता है, जो ब्लैक होता है उसका अपना, हर एक की अपनी एक टच होती है, अपनी खूबसूरत, अब आपकी अपनी खूबसूरती है, आपको पता है। हाँ, मुझे नहीं पता था, आपने बता दिया, बहुत शुक्रिया। मुझे तो आप खूबसूरत लगे बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी अपनी एक बहुत खूबसूरत एक अपनी शुक्रिया, टच है। आपने नहीं देखा मुझे तो चांद का शर्म आ अपना रही है मजा, आपकी मुझे खूबसूरती का, मुझे आज तक किसी ने सूरज का खूबसूरत नहीं अपना कहा। मजा, चांद का अपना मजा। मुझे अच्छा बात सुने, ये बताएं कि जो आपके बाल हैं, ये हेयर स्टाइल आपने यस कहाँ से मतलब सोच के रखा? अभी क्या है कि पूरी क्वेश्चन मेरे ऊपर आएंगे ना, आपसे हम कुछ नहीं पूछेंगे। चले छोड़े, अपनी एज बता अब ये मेरे लिए बहुत ज्यादा दें। मुश्किल हो जाएगा यार, ये बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि अब मेरी इंटरव्यू शुरू हो जाएंगी ना, तो फिर तो मैं कुछ नहीं पूछ पाऊंगा। हम जाने वाले हैं और नेक्स्ट कॉलर से, लोग तो बहुत ज्यादा कम ऑनलाइन हैं इस वक्त, खास यहाँ पर तो कुछ लोगों की। माय गॉड, अब इसमें नासरी और करंटली हेयर स्टाइल वाज ऑसम, थैंक यू सो मच बिस्मा, आपने आपको अच्छा लगा तो बस मुझे मुझे भी अच्छा लगा ना, क्योंकि आप जब जो कमेंट्स पास करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, बल्कि शॉर्ट हेयर तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप लोग हेयर शॉर्ट, तो इंशाल्लाह मैं शॉर्ट मजीद कर लूंगा, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट की वेटिंग है और इंशाल्लाह जब वो हो जाएगा मेरा तो उसके बाद जो है मैं उस हिसाब से और भी शॉर्ट करूंगा। जस्ट आस्क मी बासित अयाज, आस्क अबाउट यू, तो क्या पूछो यार आपसे? तारिक भाई, कॉल मी व्हेन आई गेट इट होम। चलो कॉल पे लेते हैं तारिक भाई को, क्योंकि तारिक भाई ने सलाम
सरदार अहमद से। वालेकुम सलाम। अभी हम जाने वाले नेक्स्ट कॉलर की तरफ। शेर मोहन, सो स्टूपिड। ऐसे कमेंट्स आप करेंगे ना तो इसका आंसर भी हम नहीं देंगे। वेरी गुड तौसीफ। कॉल मी। तो अब हम माय गॉड, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया ना। प्लीज आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को कॉल जब मिलती है ना तो प्लीज आप लोग कॉल रिसीव किया करें ना, क्योंकि आप लोग इतनी ज्यादा टाइम लेते हो ना कॉल रिसीव होने में कि फिर हमें काट करना पड़ेगा, क्योंकि दिल दार फारसी के किस तरह कहीं बीप जी। अभी हम इसको लेते हैं नेक्स्ट काला। पता नहीं ये नेक्स्ट काला को हम लेते हैं। और अब जितना आप लोगों से कहें इब्रार आलम। हाय इब्रार, कॉल मी आई ना। हेलो हेलो। ये क्या है यार, ये तो कॉल किसी को मिल ही नहीं रही है यार। आई एम सो सॉरी। अभी मैं बहुत ज्यादा टेंस था तो इस वजह से मैंने दोबारा लाइव कनेक्ट किया, अदरवाइज इसे भी तो मैं बहुत ज्यादा बिजी था। सदाम बादशाह, अरे किस तरह माय गॉड। यार आई डोंट नो, पता नहीं किसी को कॉल नहीं मिल रही है। आप, मेरी नेट में कुछ प्रॉब्लम आई है। शम अफरीदी, मुझे तो कुछ सब बेकार के बंदे हैं यार, ये सब बकवास लोग हैं यार। कुछ भी, कोई भी अच्छा बंदा इसमें नहीं है। जो बकवास लोग हैं वो सब ऑनलाइन है यहाँ पे। अरे माय गॉड, बिल्कुल ऐसे हाल है ना कि नासिर कमाल स्पीक इंग्लिश। ओके जो इंग्लिश में बात करेगा हम उस इंग्लिश में करेंगे, जो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम, वालेकुम क्या सलाम जी, आप कहाँ से? हाँ बिल्कुल खैरियत है, आप कहाँ से? हांगकांग से होगा
हांगकांग से आप? तो मेरे ख्याल में आपने तो पहले भी आपसे मेरी बात हो गई थी ना। आपको हम याद है? हाँ वही बिल्कुल। आप कैंप पे आप क्यों नहीं आते यार? कैंप पे तो बात करें, कैंप कैंप अच्छा होगा। नहीं, हमको शर्म हमको आती है। तो शर्माना क्या है यार? शर्माना तो वो लोग करते हैं जो बुजदिल होते हैं। आप तो मेरे ख्याल में काफी बहादुर हो। तो आज आपको पता है उज्मा, आज जो हमने टॉपिक रखा हुआ है, चलो आप नहीं आना चाहते तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप जरूर आए, अच्छा बस इतना भी काफी है ना। हाँ माशाल्लाह, खूबसूरत आंखें, खूबसूरत हाथ। यार मैं तो सोचा कि मैं बहुत ज्यादा गोरा हूँ, आपको देखकर जो है ना, आप तो मुझसे ज्यादा गोरी हो यार। अगर इसलिए आपने सनग्लास। मैं ये कह रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था उसमें कि आज की जो टॉपिक हमने रखा हुआ है ना, वो शादी के हवाले से है ना, क्योंकि कुछ लोग दो दो तीन तीन शादियां करते हैं। किसके हवाले से आपका क्या मैं तासीरात है आपको कि बताऊं, शादियां होनी चाहिए या नहीं? अगर मैं कहती हूँ ना, औरत को भी चार शादी करनी चाहिए, एक से बोर्ड हो तो दूसरे के पास चली जाएगी। चलो इससे तो क्या है कि जो लड़का उज्मा की लाइफ में वो पहले से होशियार है कि अगर उज्मा खुश रही उनके साथ तो ठीक है, अगर उसको खुशी नहीं दी तो वो धक्का देकर जो है चली जाएगी। कोई ये हुआ ना। भी। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे इतने बकवास लोग आए हुए हैं। ये तो है, क्योंकि यहाँ पर तो बकवास तो क्या है कि हर जगह पे आते हैं ना वो। हम क्या करें, हम तो बहुत मजबूर है ना, बस क्या करें, वो लोग आते हैं और बस हम तलाश करते अच्छे लोगों के, हमारी नजर अच्छे लोगों पे होती है, तो ये तो हमारे हमेशा ये कोशिश होती है। करें आपसे मैसेज में बात वो, हाँ हाँ आपके मैसेज तो आए थे, लेकिन उस वक्त मैं थोड़ा बिजी था तो उस वजह से मैंने बात नहीं की, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा आप लोगों से बात करता रहूं। अभी कर ले, अभी तो और क्या जी, इस औरत के घर वाले कहाँ हैं, खुलेआम ज्यादती हो रही है। खैर मेरे घर वाले आप लोगों के साथ है, लोग आपके पापा कमेंट आप लोग फिर कमेंट इतना ध्यान ना करें, क्योंकि पे ध्यान ना कमेंट करें। इस तरह होते हैं कि फिर वो कभी कभार कुछ लोगों की अच्छी भी होती है, कुछ बुरी भी होती है ना, हाँ ये तो अच्छी कमेंट्स पे हमेशा वो आपकी मोम की अपना अटेंशन दिया पढ़ा करते। था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दुखी था और इससे पहले भी मैं लाइव आया था, लेकिन फिर मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया बहुत ज्यादा, तो इस वजह से मैंने वो बीच में इस तरह छोड़ दिया। लेकिन बस क्या करे कि होने को कौन रोक सकता है ना, होना तो इससे भी होना होता है। बिल्कुल, वैसे उसमें आपकी बाल काफी अच्छी है माशाल्लाह। थैंक यू। और मैं कंफ्यूजन में हूं ना, आपकी नाम, आप तो मेरे ख्याल में दो बहनें हो ना, उज्मा यहाँ, क्योंकि आप मैं आपसे तो पहले मैंने बात मेरा की नाम अलिशबा है। मैं अलिशबा। हाँ हाँ यहाँ चलो ठीक, अलिशबा एंड पे उज्मा। बहुत लोग स्क्रीन शॉट कर लेते हैं ना। लोग, मैं नहीं समझा आपकी बात, थोड़ा जोर से बोल। मैंने कहा मैं चेहरा दिखा भी लेती, लेकिन यहाँ बहुत लोग स्क्रीन शॉट करते हैं ना। चलो आपकी अपनी मर्जी, क्योंकि कुछ लोग इस तरह भी होते कि वो उसका दिल नहीं चाहता और फिर हम उसको फोर्स करेंगे कि आप जरूर दिखाएं। आपने इतना दिखा दिया तो भी हमें पता चला, क्योंकि चांद जो है ना वो उसकी थोड़ी सी भी आप झलक देख लेंगे ना तो उसका अंदाजा हो जाता है, और आपकी मिसाल एक चांद है। आपको जैसे हमने क्या है कि इतना भी देख लिया तो हमें अंदाजा हो गया कि आप कितनी खूबसूरत हो, और आधी चांद का अपना मजा आप तो बड़े होता है। स्वीट हो, आप तो शायद निकले। बस आप ही लोगों को जैसे देख देख कर हमने शायरी भी सीख ली ना अच्छा, और शायर भी बन गए। चलो आपने पुख्ता आप एक सॉन्ग तो सुनाओ हमें, बोला एक सॉन्ग। एक सॉन्ग, पहली सॉन्ग सॉन्ग गाऊं? मेरी आवाज फिलहाल बहुत खराब हुई। हाँ जरूर, ताकि हमारा मूड थोड़ा अच्छा हो जाए। कम कम गाना हुआ हम। आप शुरू करो, मैं गाती हूँ। अभी
अभी तो क्या है कि मेरा तो क्या है कि मैं इतना दुखी हुआ हूँ कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ, लेकिन आप सुनाएंगे तो फिर क्या है कि मुझे थोड़े एनर्जी मिल जाएंगे आपसे। अरे तेरे कंधे दे शुरू का बड़ा हरे 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 भाई। डोंट रीड द कमेंट्स द कमेंट्स मैं अगर साब दे उतार से गाना राजी तो हुआ है तो बीबी शीरी मखदूम जुनेद थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया और मखदूम आपको मैं जरूर कॉल करूंगा लेकिन लास्ट में क्यों मखदूम को आप जानते हो? नहीं मेरा एक फ्रेंड है इसलिए मैंने कह दिया ना। ओ अच्छा जुनेद आप पहले गाना स्टार्ट करें फिर हम गाते। चलो ठीक है मैं शुरू करता हूँ। चार दिनों का प्यार है रब्बा लंबी जुदाई तेरे बिन दिल मेरा लाग कहीं तेरे बिन चैन मेरा मुझे तो लिरिक्स याद नहीं तेरे बिन जाए मेरी लागे कहीं ना कितने दिनों बाद पत्नी से याद हो आया तरस आया है। ये तो आपने यार मुझे वो सॉन्ग है उस वक्त वो अभी अभी न्यू वो चीट फिल्म का सॉन्ग है इमरान हाशमी वाला वो मैंने सुना हाँ वो मुझे बहुत पसंद है। आजकल मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ उसकी तो पता है उसकी वो पहले वो सर मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो किस स्टार्ट होता है ना वो सॉन्ग चीट फिल्म की बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद आगे आप बोलो जबरदस्त हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो मेरा चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो अब तुम ही हो। वाह जबरदस्त। वैसे मुझे ये बताइए कि आपकी कलर जो है ना आपको कौन सा ज्यादा पसंद है? आपकी तो ब्लैक पे तो आप पे काफी अच्छे सूट करा लेकिन मैंने वो दूसरी नहीं देखी जो दूसरी आपकी जो दूसरी बैंड है मुझे हाँ मैं डिस्प्ले पिक्चर में मुझे देख ले ओ तेरा का आवाज कहीं करता ये तो अच्छा हो कि आप लोग आए और मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो गया था ना आपके आते ही मेरा तो माइंड चेंज हो गया। मैंने कहा वाओ यार ये तो क्या है कि आप पहली आती थी कितना अच्छा होता मैं बहुत खुश होता आपको देखकर जो है मैं बिल्कुल मेरा पूरा माइंड चेंज हो गया ना मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया इस वक्त आपको पहले आने चाहिए था ना क्योंकि इससे अच्छा था कि मैं वो ऐसे वैसे काल लेता ना इससे अच्छा था कि मैं आपको ही लेता काल पे ओके बाय अबू आ गए। हाँ तो आप हमें और कुछ बातें कहें ना कहाँ चली गई कहाँ चली गई और कुछ बात बस बस चली गई अभी सो गई यार हमें बताए कुछ हांगकांग के ओ हवाले से लेकिन चलो कार ड्रॉप हो गया कोई मसला नहीं है हम उसको मखदूम जुनेद को मैं ये कहना चाहूँ ओह माय गॉड यार ये तो इतने ज्यादा कमेंट्स हुए हैं लोगों के हद से भी ज्यादा। खैर कोई मसला नहीं है हम अब देखते हैं नेक्स्ट
कादर की तरफ हम जाने वाले हैं और उनसे भी हम पूछेंगे, क्योंकि हम इस भी गपशप जो है वो बहुत ज़्यादा लगाते हैं। और जो उज़्मा थी वो तो मेरे ख्याल में कुछ प्रॉब्लम है उसके नेट में, तो वो मेरे ख्याल में चली गई, लेकिन कोई मसला नहीं है। अभी हम यार ये लोग बहुत ज़्यादा कम ऑनलाइन है, तो हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है ना, क्योंकि लोग थोड़ा ज़्यादा ऑनलाइन हो जाएंगे ना। तो फिर आप लोग लाइव चैट को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें शेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। अभी हम नेक्स्ट कॉलर को हम लेते हैं और उनसे हम गपशप लगाते हैं। कैन यू जो भी कॉल पे आएगा मैं उसको कॉल पे लूंगा और उनको हम मौका देंगे और उनसे बात करेंगे, क्योंकि ये नहीं है कि कुछ कहेगा कि ये है वो है। सबसे हम जिसकी कॉल लगेंगे बस उनसे हम गपशप लगाएंगे। और आई थिंक ये अभी हम जो है वो हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपकी कॉल मिल गई है। आप कहाँ से? जी मिल गई है, मैं लाहौर से। लाहौर से? हाँ हाँ जी, नेट का कुछ इशू है तो इस वजह से वो कॉल मिल जाती है, लेकिन कभी कभार जो है वो ब्रेकिंग हो जाती है। हाँ तो आप सुनाए, आज तो क्या है कि आज हम हमने जो टॉपिक रखा हुआ है ना, उसके हवाले से आप हमसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि आज जो है वो टॉपिक हमारी जो है वो आपने सुना है या नहीं? नहीं अभी नहीं सुना, आप बताएं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक ये है कि कुछ लोग जो है शादी के हवाले से, वो दो दो शादियां, कुछ लोग तो तीन भी करते हैं ना, तो इसके हवाले से आपके क्या कहना है कि शादियां जो है वो होनी चाहिए एक या दो या नहीं होनी चाहिए, इसके हवाले से आपके क्या तस्वीरात है ना? आप हमसे अपने एक तो होनी चाहिए ना, एक शादी होनी चाहिए, और जो सेकंड करते हैं वो हाँ वो अगर उनको कोई उनके वाइफ के साथ कोई प्रॉब्लम है या किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है फिर कर सकते हैं, बेवजह बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी के घर से किसी बेटी को लेके जाते हो तो वो भी अपना सब कुछ छोड़ के आपके लिए आती है, तो आपको भी चाहिए कि आप सारा टाइम उसके लिए रखें और उसी को अपना टाइम दें। एग्जैक्टली वो तो है, लेकिन यहाँ पर ये भी है कि कुछ लड़कियां इस तरह ये भी हो जाए कि उसकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट हो जाती है कि उसके साथ जो है ना फिर वो शादी जो है ना वो उसकी कि उसके बाद वो अपनी लाइफ इस तरह की वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इसका उसकी दूसरी शादी हो, ये है वो, फिर उसकी लाइफ ऐसी ही गुजर जाती है ना, तो उसके हवाले से आपके तो उसको जो है कुछ लोगों का अपना अपना माइंड है, वो अगर बेवजह नहीं कर सकते, अगर कोई वजह हो तो फिर तो करनी चाहिए, बेवजह नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, और ज्यादातर जो है वो मेरे ख्याल में कुछ मर्द तो इस तरह भी होते हैं ना कि वो कहते हैं कि मैं बराबर के हिसाब करना चाहूंगा, मैं तीन बीवियां रखना चाहूंगा, ये है वो, तो इसके हवाले से आपका क्या है ना कि बराबर के हुकूक जो अगर वो दे सके ना। हेलो जी जी हाँ जी, मैंने यहाँ पर जो आपसे पूछा ना, मैंने कहा कि कुछ मर्द जो है ना वो तो इस तरह दो दो तीन तीन शादियां इस तरह करते होंगे कि मैं बराबर के हकूक उनको दिलाऊंगा ना, तो इसके वाले से आपका क्या कहना है कि वो राइट है या नहीं? लेकिन क्या जरूरत पड़ी हुई है ना, अगर आपके पास एक वाइफ है तो दूसरी को लाने की क्या हकूक दे सबको। लेकिन एक औरत जो होती है वो अपने साथ अपने हस्बैंड को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, ये बहुत मुश्किल होता है मेरे ख्याल से। तो अभी मेरी शादी नहीं हुई लेकिन होने वाली है, और मैं तो नहीं करने दूंगी अपने हस्बैंड को किसी और के साथ। लेकिन अगर आपने लव चैट देखा होगा ना स्टार से, तो कुछ लड़के आए थे, उसने तो कहा था कि एक ने तो मेरे ख्याल में चार भी है, उसने कही कि मुझे चाहिए, एक ने तो कहा कि मुझे तीन चाहिए ना, तो आपने तो कहा कि कोई भी इस तरह नहीं चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उसको बराबर के हिसाब देंगे ना, बराबर के हुकूक देंगे उसको, ये है वो है,
पता नहीं उसने तो ये कहा ना, तो हाँ इसके तो आप वो समझते जायज है, इस्लाम में जायज है चार शादियां करना, लेकिन फिर वो ये भी सोचे ना कि अगर वो कर रहे हैं तो लड़कियां बेचारियों क्यों, वो क्यों जब वो अपना सब कुछ छोड़ के आई है तो क्यों नहीं उनके साथ रह सकते? क्या वो इतनी बुरी हैं कि वो एक को छोड़ के दूसरी, दूसरी को छोड़ के तीसरी, अगर एक आई है तो वो बेचारी का भी दिल है, इस तरह नहीं करना चाहिए, वो शेयर नहीं कर सकती, ये गलत बात होती छोटी है। काम नहीं कही, लेकिन सिर्फ एक ही होनी चाहिए, बीवी सिर्फ एक हो हाँ तो एक ही होनी अच्छी है। चाहिए। चलो ठीक है, ये तो आपने बहुत अच्छा दिया। और हमें आप बताएं खुद अपने हवाले से कि आप खुद जो है आप की क्या मसरूफियात है और क्या लाइफ में आपकी चल रहा है ना। 27 को मेरी शादी है, ये 27 जनवरी को। जनवरी चलो एडवांस में आपको शादी मुबारक हो, और नहीं, हम तो आपके दुआ वो है कि आपकी शादी जो है वो सही सलामत और सक्सेसफुल हमेशा की तरह रहे, तो ये तो बहुत अच्छी बात थैंक यू। है। और एडवांस में और जो है ना, उनके अलावा आपने खुद पढ़ाई की है, पढ़ाई की के हवाले से मैंने पूछा ना, आपने कितनी तक की है। बीए, जस्ट बीए क्लियर हाँ, किया। तो उन लड़कियों के लिए आपको खुद, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी जो है एक अच्छी हस्बैंड में आपको कितनी क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको एक अच्छी हस्बैंड, सक्सेसफुल हस्बैंड आप कहेंगे कि किसके साथ मेरी लाइफ आप बीच में से रखा, पता नहीं वो नेटवर्क का मसला था। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपको खुद जो है, आपको मेरी वॉइस आ रही है, जी, तो मैं ये कह रहा था कि आपको खुद जो है एक अच्छी हस्बैंड में ना, आपको कितनी जो है वो अच्छी क्वालिटी होना चाहिए कि इसमें एक एडजस्टमेंट में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तीन आप मुझे इस तरह ऐसे क्वालिटी होने बताए कि आपको नजर में जो है ना वो सक्सेसफुल जुड़ी रहेंगी ना आपके साथ। अगर हम लोग इन हमारा हस्बैंड वही वो बंदा परफेक्ट होता है जो आपके साथ अपने आपके माँ बाप की भी इज्जत करे और इखलाक का अच्छा हो, बाकी वो जैसा भी होगा परफेक्ट ही, मतलब बस ये दो चीजें उसमें अच्छी हैं, होनी चाहिए कि वो रिस्पेक्ट करे हमारे पेरेंट्स की और इखलाक उसका बेहतर हो। बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो आई थिंक हमारी जो भाईजान है ना, तो उसमें तो मेरे ख्याल में ये सब क्वालिटी होंगी जरूर। अगर नहीं भी होंगी इंशाल्लाह करवा लूंगी, इस तरह का उसको बना दूंगी। जरूर, चलो बस अल्लाह करे कि आपकी जो है वो जिस तरह आप चाहिए तो इस तरह वो है उसमें हो, और या नेट का पता नहीं वो बीच बीच में इस तरह ब्रेक हो रहा था। चलो अब सही हो जाएगा। तो हाँ, आप ये बताए कि आप जो है ना खुद कुकिंग के हवाले से हमें बताए कि आप कौन सी जो है ना आप चाहेंगी कि आप शादी के बाद जो है ना जो भाईजान हो आपको पहली डिश आप कौन सा चाहेंगे कि अपने हाथ से पकाए उनके लिए। मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है कुकिंग का। वॉइस बहुत ब्रेक क्या रहा है, मैं नहीं समझा क्या। मैंने कहा मुझे कुकिंग करने का शौक ही नहीं है। तो खैर, आपको तो कुकिंग सीखना चाहिए ना, क्योंकि अब तो क्या है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है ना। हाँ मैं मतलब थोड़ी बहुत आती है, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है, और मुझे मैंने ये सोचा नहीं हुआ कि उसके लिए क्या बनाऊंगी, जो बनेगा वो खिला। तो इस तरह घर के काम में आप कौन सा काम जो है ना आप शादी के बाद चाहेंगे कि आपको ये काम जो है ना करना पड़े, आप कर पाएंगे अदील इजिली। खान, अदील खान पहले जो नीचे कमेंट कर रहा है ये मेरी बात सुन ले कि भाई साहब वो मुझे लात मार के निकाले या जो मर्जी, वो मेरा शोहर होगा, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप अपने बारे में सोचें, आपकी बीवी आपको क्या क्या मारेगी ये आपको बाद में पता चलेगा, जिस तरह आप कमेंट कर रहे हैं आपको इतनी तमीज नहीं है कि किस तरह करने हैं, तो आपके साथ मेरे ख्याल में ज्यादा बुरा हो सकता है। बस पता नहीं, मैंने तो कुछ नहीं समझा कि वॉइस इतने ज्यादा ब्रेक हो रहा था कि कुछ भी समझ तो
चलो, बातें तो बहुत ज्यादा है लेकिन अब कनेक्शन की मसला बहुत ज्यादा है, तो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट कॉलर में जरूर आपको जो है हिस्सा बना ओके, लेंगे, फिर अल्लाह आपको हाफिज, खूब सारा गपशप अल्लाह होगी। हाफिज, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो, उनसे बात करके मैं बहुत खुशी हुई, और अनन्या, और हम अब जाने वाले हैं, और गपशप होगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।